Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बनाने लगे हैं बीफ करेला, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो करेला, 1 किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, 1 किलो बीफ। बीफ को हमने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था। बॉयल करते हुए हमने इसमें लहसुन ऐड किया था और आधा प्याज। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर, साबुत धनिया और फिर सावा धनिया। स्टार्ट करते हैं आज का बीफ करेला। बीफ करेला बनाने के लिए हमने जो 1 किलो प्याज लिया था, उसमें से हम आधा किलो फ्राई करेंगे और आधा किलो हम बाद में यूज़ करने के लिए रख देंगे। इसको हम मीडियम फ्राई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। हम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। स्पाइसेस और टमाटर को थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो चिपके ना। टमाटर और मसाला को हमने इतना ही रखना है, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को मीडियम रखना है, ठीक है। हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज और टमाटर आपस में थोड़ा मेल्ट हो जाए, ठीक है। प्याज हम फ्राई कर चुके थे और आधा किलो प्याज जो रहता था हम उसको इस स्टेज में ऐड करेंगे गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्याज हमने साइड पे रख दिया था उसको आप इसमें ऐड करेंगे। इसको आप थोड़ी देर हिलाते जाएं। करने के बाद हमने करेला जो बॉयल करके रख दिया था उसको इसमें ऐड करेंगे। करेले को आप पहले से ही बॉयल करके रख दें, ठीक है, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाए। 5 से 10 मिनट के लिए आप करेले को बॉयल कर लें, धोने के बाद और सुखाने के बाद। वेजिटेबल्स को, गोश्त को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले आपस में अच्छे से गल जाएं और वेजिटेबल्स भी, टमाटर प्याज आपस में अच्छे से गल जाएं। 2 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हम पहले से बॉयल कर चुके हैं, ठीक है। पानी भी हम इसमें बॉयल हुआ हुआ डालेंगे, ठंडा पानी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लें और उसके बाद आप स्लो फ्लेम पर इसको रख। इस स्टेज पे हमारा करेला तैयार हो चुका होता है जब ये ऑयल छोड़ दे, ठीक है। इसको हमने 20 से 25 मिनट तक रख दिया था मीडियम फ्लेम पे।